Morning to all my dear kids. Hope you all are fine and safe at your home. Today I, Garima, your English teacher. Kids, today we are going to learn chapter number 3, singular, plural, and collective noun. Let's come to the chapter 3, singular, plural and collective noun. Singular means one. देखिए, एक singular से एक word निकल रहा है single, जिसका मतलब होता है one. Okay, and plural means many. Plural means many and collective noun. And collective means एक group हो किसी चीज़ का, जैसे कि birds का group, people का group, या फिर किसी एनिमल का ग्रुप, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइक बंचेस ऑफ कीज, ऐसे. ठीक है, यू नो नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूलर. हमें पता है नाउन्स जो हैं या तो वो सिंगुलर हो सकते हैं, नहीं तो वो प्लूलर हो सकते हैं. ठीक है, सिंगुलर नाउन रेफर टू वन ऑफ समथिंग. सिंगुलर नाउन किसको रेफर करता है, किसी भी एक चीज़ को. प्लूलर नाउन रेफर टू मोर देन वन ऑफ समथिंग. और प्लूलर नाउन एक से ज़्यादा चीज़ को रेफर करता है. सिंगुलर नाउन मीन्स वन थिंग एंड प्लूलर नाउन मीन्स वन और मोर देन वन. ठीक है, प्लूलर नाउन मोर देन वन, सिंगुलर ओनली वन. मोस्ट वर्ड मेक प्लूलर बाय एडिंग एस और ई एस एट द एंड. बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम एस या ई एस लगाकर उनका प्लूलर बना सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, हाउस, हाउसेस, एस लगा दिया. कैच, कैचेस. ग्लास, ग्लासेस. मैंगो, मैंगोस. अब देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे यहाँ लास्ट में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, लाइक जी इज द कॉन्सोनेंट, तो हम पुट करेंगे ई एस. अगर हमारे लास्ट में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस पुट करेंगे. लेकिन अगर इस कॉन्सोनेंट की जगह वॉवल होगा तब हम सिर्फ एस पुट करेंगे. ओके, वर्ड्स दैट एंड विद अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई. वो वर्ड जो एंड होते हैं कॉन्सोनेंट से और वाई से, जैसे कि वाई और इससे पहले क्या है कॉन्सोनेंट आर, उनमें हम आई से चेंज करते हैं और ई एस लगा के उसका प्लूलर बना देते हैं. ठीक है, जैसे कि स्टोरी, स्टोरी ई लिखा, स्टोर, और वाई की जगह हमने आई लगाया और उसका प्लूलर बनाने के लिए हमने ई एस लगा दिया. सेम बेबी के साथ वाई की जगह हमने आई लगाया, प्लूलर बनाने के लिए ई एस लगा दिए हम. वर्ड दैट एंड विद एफ, जो वर्ड F से एंड होते हैं प्लस वॉवल आता है उनके पीछे, जैसे कि F और E, उनमें हम क्या करते हैं F की जगह पर V लगाते हैं और प्लूलर बना देते हैं उसका ई एस से. सेम F की जगह हमने V लगाया और उसका प्लूलर बना दिया हमने ई एस से. नाउ कम टू द एक्सरसाइज, रीड द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ब्रैकेट. देखिए, वी डिसाइड टू हैव अ पिकनिक एट द डैश. हमने डिसाइड करी है पिकनिक पे जाने के लिए, कहाँ, बीच और बीचेस. अब बीचेस, बहुत सारे बीचेस पर तो हम नहीं जा सकते, एक ही बीच पर हम अपनी पिकनिक प्लान करेंगे, तो वी विल राइट हेयर बीच. वी मेड टोमेटो, क्यूकुम्बर एंड चीज डैश सैंडविच और सैंडविचेस. हमने टोमेटो, क्यूकुम्बर और चीज़ के क्या बनाए, सैंडविच, एक सैंडविच बनाया या सैंडविचेस, बहुत सारे सैंडविचेस बनाए. सैंडविचेस तो हम बहुत सारे बनाकर लेकर जाएंगे, सिर्फ एक सैंडविच बनाकर अगर हम लेकर जाएंगे तो हम वो किसको देंगे, तो वी मेड सैंडविचेस. एंड पैक्ड चॉकलेट, मफिन और मफिन्स. एक मफिन तो पैक किया नहीं होगा, हमने बहुत सारे मफिन्स पैक करे फॉर एवरीवन, हर एक के लिए. वी ऑल्सो टुक अ फ्यू बॉटल और बॉटल्स ऑफ लेमनेड, बॉटल्स
एंड अ फ्यू पैकेट ऑफ जूसेस. मदर गेव अस सम पीच और पीचेस. बनानास एंड गुआवास. एक तो देंगी नहीं मम्मा, बहुत सारे देंगी. शी रिमाइंड अस टू टेक पेपर प्लेट. एक पेपर प्लेट लेकर जाएंगे या बहुत सारी? सब बहुत सारे लोग हैं तो प्लेट्स लेकर जाएंगे. एंड प्लास्टिक फॉक्स. वी टेक टू. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, टू नाइफ. हम क्या है, टू आ गया तो नाइफ तो हो नहीं सकता, यहाँ पर आएगा नाइफ. With which to cut the fruit, फ्रूट काटने के लिए. We also took a large plastic bag. एक ही बैग से हमारा काम हो जाएगा. To put the peels and wrappers in. Now come to here. Fill in the blank with the correct word. One has been done for you. See, one life, many lives. One chimney. मैनी टू चिमनीज. वन शीप. अब देखिए जो शीप होती है उसका प्लूलर शीप ही रहता है, ठीक है. वन माउस. देखिए माइस का प्लूलर क्या होगा, माउस. वन डैश सेवरल विमेन. विमेन का होगा हमारा वुमेन. वन कैंडीज. वन कैंडी. वन देखिए अब इसमें डियर में भी हमारा क्या आएगा, डियर. प्लूलर डियर का भी सेम रहता है. वन दिस थ्री यू विल डू इट इन योर होमवर्क.